डिंडोरी में एक चरवाहे के घर में घुसकर चोरों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालात काफी नाजुक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, धान से भरा एक ट्रक किरकरझर से घाट में पलट गया। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग धान की बोरी चुरा कर ले जाने लगे। वहीं एक चरवाहे ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धान ले जाने के लिए टोका, तो इसी बात से नाराज होकर पिंटू और उसके साथी चरवाहे के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। इसी बीच पिंटू ने कुल्हाड़ी से चरवाहा मैदान में मदन के पैर में हमला कर उसे घायल कर दिया। मदन को बचाने जब उनका बेटा पहुंचा तो हमलावरों ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और फिर फरार हो गए। भूप कुमार नंदा उसका करीबन 20 साल पहले की बात, अभी भी बेच रहा है, दुकान की धंधा तथा शराब की धंधा करता है। पूरे गांव में उसने पूरे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक को सब नशे पिला पिला कर बिगाड़ रहा है, सबकी भविष्य को खराब कर रहा है। एक बार उनके ऊपर गांजा की पकड़ भी पुलिस वाले ने किया, वो जेल में भी बहुत दिनों से रहे, आज भी उसका केस चल रहा है, फिर भी वो धंधा को मान नहीं रहा है। गाँव वासी सब परेशान है, ये धंधे को रुकवाते हैं, अपना अड़ूलीपन दिखाता है, जिसको जो लगे वो कर लो, मैं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा ये धंधा, ऐसे बोल। क्या घटना हुई है और किस बात को लेकर आप लोग आए हैं यहाँ पे? देखिए, किकरजर घाट में जो है धान भरा ट्रक पलट गया है, तो हमारे गांव के जो है कुछ लोग जो है धान चुरा चुरा के भाग रहे थे। कुछ पुलिस वाले जो हैं, जो चरवाहा है, जो गाय चरा रहा था, जिनका नाम मदन कुमार ध्रुवे है, उनको बोले कि अगर कोई ले जा रहे हैं तो उनको रोकना। तो ये मदन कुमार जो है हमारे गांव के अशोक कुमार और पिंटू नंदा और उसका जो भाई है शिव कुमार नंदा, इनको जो है रोका कि आप धान को मत ले जाइए, मेरे को बोले हैं। इतने में जो है ये इनके साथ मारपीट किए और इसके बाद घर में जाकर कुल्हाड़ी लाकर जो है इनको इनके पैर को तोड़ दिए मदन कुमार के। इसके बाद जो है हम थाना गए, उनको लेके शुरुआती कार्रवाई हुई, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं उससे। और उसके बाद जो है जो मदन कुमार है उनको जिला चिकित्सालय अस्पताल में अभी गांव के लोग आकर के बड़ी अपनी व्यथा बता रहे थे। बच्ची आई थी, उनके पिताजी का पैर तोड़ दिया गया और वह बच्ची जो एमए की पढ़ाई कर रही है, उनके आंसू निकल गए बताते हुए। बड़ा दर्दनाक स्थिति था और निष्पक्ष उनके साथ न्याय हो, इसके लिए मैंने एसपी साहब और संबंधित अधिकारियों से बात किया है, ताकि उस बच्ची के साथ न्याय हो।